नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। जय माता दी सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। जो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वो आप सब टाइटल में देख चुके हैं, वो है कि कैसे आप एक मिनट के अंदर अंदर किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकते हैं, किसी लड़के को इम्प्रेस कर सकते हैं। देखिए, एक मिनट के अंदर कहें या हम दो मिनट के अंदर कहें या ज़्यादा से ज़्यादा भी पाँच मिनट के अंदर कहें, इसके सिर्फ एक ज़रिया है कि एक मिनट या दो मिनट के अंदर आपसे कोई व्यक्ति इम्प्रेस हो जाए, वो होता है आपका गेस्चर। आपने क्या ऐसा गेस्चर है, या कैसे गेस्चर को भी अगर हम कहें कि क्या ऐसे हाव भाव होंगे आपके, कैसा ऐसा प्रेजेंटेशन होगा आपका कि एक मिनट के अंदर अंदर आपको देखते ही लड़की आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। और बहुत बार होता है, जैसे अगर हम कहीं आजकल लड़के कहीं बाहर जाती है, लड़के कहीं बाहर जाते हैं, एक मिनट किसी को देखते हैं और वो कहते हैं कि वो कितनी स्मार्ट लड़की गई, कितनी खूबसूरत लड़की गई, कितना स्मार्ट लड़का गया, क्योंकि एक मिनट के अंदर अंदर उनके जो प्रेजेंटेशन, उनका जो गेस्चर होता है वो उस व्यक्ति को इम्प्रेस कर देता है। तो गेस्चर्स को अपने कैसे अच्छा करना है, इसकी मैं आपको टिप्स दूंगी और साथ में एंड में आपको एक उपाय बताऊंगी अगर आप उस व्यक्ति के लिए बेहद सीरियस हैं, बहुत मतलब उसके लिए सीरियस है, या कहें कि उसे विवाह कराना चाहते हैं, शादी कराना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजारना चाहते हैं, लेकिन वो लड़की है कि आपसे इम्प्रेस नहीं हो रही है, आपकी बात नहीं मान रही है, बार बार आपके कहने के बावजूद भी आपकी बात नहीं मान रही है, तो आप उसके लिए ये उपाय करें कि आपकी बात वो मान जाए। आपके लिए अगर वो सीरियस है, आप उसके लिए अगर सीरियस है, तो आप उसको कैसे मना सकते हैं, इसका जो उपाय है वो मैं एंड में दूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी कैसे एक या दो मिनट के अंदर कोई सामने का व्यक्ति आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, आपके ओवरलुक से, या कहें कि आपके गेस्चर से, आपके बिहेवियर से। अगर आप किसी को लाइक करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, या ऐसा भी है कि लोग उन्हें कह भी चुके हैं लेकिन वो व्यक्ति मान नहीं रहा या मान नहीं रही है या बिलीव नहीं कर रही है उनकी बात में, या कह सकते हैं कि उनकी बात को मजाक समझ रही है, तो आप उनको सबसे पहले तो बात है कि अगर कोई आपसे इम्प्रेस होगा तो ही वो आपसे बात करेगा, तो ही वो आपसे आगे बढ़ेगा बात करने में। तो उसको इम्प्रेस कैसे करना है पहले तो ये थोड़ी बातें बताऊंगी, और उसके बाद ये बताना है कि अगर आप उसके लिए बेहद सीरियस है, पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजारना चाहते हैं और किसी ना किसी तरीके से बस उसको पाना चाहते हैं एक पॉजिटिव वे से, तो वो उपाय बताऊंगी कि आपने क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किसी व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए अगर आप कहेंगे जल्दी से जल्दी विद इन 2 या 3 मिनट्स में उसको आप कैसे अपने गेस्चर से, अपने ओवरलुक से मतलब प्रभाव कर सकते हैं उसके ऊपर अपना, तो वो आपने कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। पहला जो है वो है कि आपने साफ सुथरे कपड़े डालने हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि शुक्र ग्रह होता है जो रिलेशनशिप्स को संभालता है, शुक्र ग्रह होता है जो हमारी लव लाइफ को, या अगर हमारे क्रश को, या कुछ भी कहें कि हमारे लव रिलेशंस को संभालता है, अगर किसी को पसंद करते हैं या प्यार करते हैं, तो शुक्र ग्रह में सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आपने साफ सुथरे कपड़े डालने हैं। अगर आप गंदे कपड़े डालेंगे या फटे कपड़े डालेंगे या बहुत हद तक पुराने कपड़े भी इन द सेंस थोड़े साफ सुथरे हो, घिसे मत जाए उस कपड़े को, फट गए हों, बहुत ही गंदे हो लेकिन अब चलाए जा रहे हैं, तो इससे आपका शुक्र ग्रह भी कमजोर होगा। तो सिर्फ एक लड़की ही नहीं, आगे आने वाली लाइफ में जितनी भी लड़कियां होंगी आपको जो पसंद होंगी, या लड़के होंगे जो आपको पसंद होंगे, आपसे इम्प्रेस नहीं हो सकते हैं। पहली बात तो एक आपका ओवरलुक ही अच्छा नहीं लगेगा, दूसरी बात आपका शुक्र ग्रह बेहद खराब हो जाएगा जो स्पेशली इन रिलेशनशिप्स को संभालता है। तो आपने साफ सुथरे कपड़े डालने हैं, और सबसे मेन बात मैं बताऊं मैं आपको, तो आपको शूज बहुत अच्छे डालने हैं। जो एक अगर हम व्यक्ति कहें तो कहते हैं ना, नीचे से ऊपर की तरफ एक व्यक्ति किसी को देखता है, या जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है, जो हमारी लुक्स की प्रेजेंटेशन होती है, वो हमारे हमेशा हमने पाँव में क्या डाला है इससे पता चलती है। आप बहुत सुंदर कपड़े डाले लेकिन नीचे आपने कुछ भी अलग सी चप्पल से डाल ली है, तो आपका प्रेजेंटेशन कभी भी अच्छा नहीं जाएगा। तो अगर लड़के हैं या लड़कियाँ हैं तो आपने अपनी जो सैंडल्स है या अपने जो शूज़ हैं बहुत ही स्मार्ट लेने, चाहे थोड़े महंगे लें लेकिन अच्छे लें, स्पेशल कोशिश करें ब्लैक या व्हाइट कलर के लें ज़्यादातर, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और कपड़े भी कोशिश करें थोड़े व्हाइट कलर के डालें, तो इससे भी आपके लिए बहुत बढ़िया इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको अपना नेचर सॉफ्ट रखना है।
अब ये बात आती है आपके शनि ग्रह के ऊपर, अगर आप अपना क्रोधित नेचर रखेंगे या किसी की इंसल्ट करेंगे तो वही प्रभाव आपके ऊपर उसी टाइम, क्योंकि शनि का रिजल्ट होता है वो इंस्टेंट मिलता है, उसी टाइम मिलता है, तो आपसे जिंदगी में कभी भी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो या कोई भी व्यक्ति, आपसे इंप्रेस नहीं हो सकता अगर आपका नेचर सॉफ्ट नहीं है। अगर आप अपने बड़ों को या छोटों को अच्छे तरीके से नहीं बुलाते हैं तो कोई व्यक्ति आपसे इंप्रेस नहीं हो पाएगा। तो दूसरी चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि सॉफ्ट नेचर, स्माइलिंग फेस रखना है अपना। और तीसरी चीज, अगर आप किसी को बेहद पसंद करते हैं, आपको बहुत पसंद है वो व्यक्ति, तो कभी भी उसकी तरफ देखते हुए इसकी बॉडी को नहीं देखना है, हमेशा उसकी आंखों की तरफ देखना है। जो आंखें हैं वो आपकी कई बातें, कई राज खोल देती हैं किसी और व्यक्ति के सामने। अगर आप बहुत पॉजिटिव वे से किसी को पसंद करते हैं, बेहद पसंद करते हैं, तो आपकी आंखें ही आपकी आधी बातें उस व्यक्ति तक पहुंचा देती हैं। तो आपने बॉडी नहीं देखनी है या कोई और चीज़ें नहीं देखनी है, आपने सिर्फ ये जज नहीं करना है इसकी ये मोटी है पतली है या इसकी हाइट मेरे से मैच हो रही है या नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आपको वो व्यक्ति पसंद है तो आपने सिर्फ उसकी आंखों की तरफ देखना है और स्माइलिंग फेस रखना है। इससे भी आपका जो व्यक्ति होगा जिसे आप इंप्रेस करना चाहते हैं बहुत ही जल्दी इंप्रेस हो जाएगा। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, पहली ये चीज़ें हैं कि थोड़ी ही देर में उस व्यक्ति आपसे बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाएगा, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी ही है। अब आखिरी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि अगर आप किसी के लिए बेहद सीरियस हैं, आप किसी भी तरीके से बस चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके पास आ जाए या पूरी ज़िंदगी आप उस व्यक्ति के साथ, लड़की के साथ या लड़के के साथ बिताना ही चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति आपके आसपास और कोई दूसरा व्यक्ति आ ही नहीं रहा उस व्यक्ति के अलावा, और वो व्यक्ति आपकी बात नहीं समझ रहा, नहीं मान रहा या बोलने के बावजूद भी उस बात को सीरियसली नहीं ले रहा, तो एक उपाय है जो मैं आपको बताऊँगी जो आपने करना है। वो उपाय क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपने क्या करना है, आपने सात लौंग लेनी है, जो बड़ी लौंग मिले या छोटी लौंग मिले किसी भी तरीके की, लेकिन सात लौंग लेनी है। अब मैं बताती हूँ ये करना कैसे है। ये आपने शनिवार की रात को, शनिवार की रात को पूरे 12 बजे करना है। एक जगह पर अकेले बैठ जाएं, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और ज़मीन पर बैठना है आपने ध्यान रखना है, बेड पर नहीं बैठना, कोई चादर बिछा लें या कुछ बिछा लें उसके ऊपर बैठ जाएं, ठीक है। और आपने सात लौंग अपने हाथ में रखनी है, यहाँ पर हाथ की हथेली पर, कोई भी हाथ पर, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, जहाँ पे मर्जी 21 आपने लौंग रखनी है। और उस व्यक्ति का नाम लेना है, अगर आपको नाम नहीं पता लग रहा हो अभी तक उस व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति का चेहरा आपने मन में सोच सकते हैं, आपने नाम लेना है या चेहरा सोचना है, और इस तरीके से हाथों को बंद कर देना है। और इसके ऊपर आपने 21 फूंक मारनी है, उसका नाम एक बार, उसका नाम बोले, नाम नहीं पता तो एक बार उसका चेहरा याद कर ले, और उसके बाद 21 बार आपने फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद अगले दिन यानी कि रविवार के दिन रात को ये चीज़ कर, याद रात को आपने ये चीज़ कर ली और 21 लौंगों को कहीं अलग कोने में रख दिया, किसी लिफाफे में डाल के, कोई भी रंग का लिफाफा हो, किसी लिफाफे में डाल के कोई अलग जगह रख ले जहाँ पे किसी का हाथ ना पहुँचे, और अगले दिन उठकर यानी कि रविवार को, संडे के दिन उठकर वही लिफाफे में से लौंग को निकाल कर, लिफाफा फेंक सकते हैं, वही लिफाफे में से लौंग को निकाल कर आपने मिट्टी में वो लौंग दफना देना है, मिट्टी में वो लौंग आपने दफना देना है, और जो भी आपके मन की इच्छा है वहां पर आप दफनाते टाइम बोल सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि वो जो व्यक्ति है जो आपके लिए सीरियस नहीं हो पा रहा लेकिन आप उसके लिए बेहद सीरियस है, बहुत प्यार करते हैं उससे, और वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति धीरे धीरे आपके करीब आ जाएगा और वो व्यक्ति खुद आपके करीब आएगा। आपको इतनी भी नौबत नहीं पड़ेगी, आप खुद उस व्यक्ति के पास जाएं, वो व्यक्ति खुद ब खुद आपके करीब आएगा। और जो पहले मैंने बातें बताई हैं उसका भी विशेष ध्यान रखें, उसे भी व्यक्ति इंप्रेस भी होगा और इसमें तो डेफिनेटली वो आपके पास खुद ब खुद चले आएगा या चली आएगी, तो ये चीज़ पक्का हो जाएगी। लेकिन ऐसा आपने 3 शनिवार तक करना है, 3 शनिवार सेम प्रोसेस आपने करना है और अगले दिन दफना देना है। इससे आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी वो व्यक्ति खुद आपके पास आएगा और अपने मन का इजहार आपके सामने कर देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।